हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम एनरिच बाय नीलू। और मैं हूँ नीलिमा। ये देखें, ये आटे और चपाती का घोल है जो मैंने घर पे बनाया है यूजिंग नोवा हैंड ब्लेंडर। ये मैंने रिसेंटली फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था और जब मैंने इसको यूज़ करा चपाती और पराठे का डो बनाने में, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव निकला। तो ये आटा ले रही हूँ मैं, तकरीबन 1 पाव है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि आप जब भी आटा घोल बनाएं, जैसे हम लोग विजुअली यूज़ करते हैं एक बड़े बर्तन में ही, तो पहले जो हम लोग भी आटा लेंगे उसमें पानी जो है हमें थोड़ा ज़्यादा डालना है, इसलिए क्योंकि हैंड ब्लेंडर जो है एकदम ड्राई ब्लेंडिंग नहीं कर पाता है। तो हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम उसमें जहाँ तक हो सके थोड़ा पानी ज़्यादा डालें, इतना भी नहीं कि मतलब बिल्कुल पतला हो जाए। तो देखिए, क्योंकि हैंड ब्लेंडर को मूवमेंट बहुत आसान रहता है जब हम पानी थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। तो हम सबसे पहले उसको अच्छे से हैंड ब्लेंडर से मिक्स कर लेंगे। पर ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, जब आप जल्दी में हैं और जल्दी से आटा लगाना है तो ये बहुत अच्छा है। और मसाले वाले आटे, पराठे वाले आटे भी बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल एकदम थोड़ा गीला और थोड़ा पतला बनाया है, और हैंड ब्लेंडर का मूवमेंट भी देखिए बहुत अच्छा है और बहुत इफ़ेक्टिवली ये मिक्स करता भी है। देखिए, जब तक आप देखेंगे कि ये हैंड ब्लेंडर का जो मिक्सर है अगर वो गीला है और उस पर आटा लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आटा एकदम गीला है। तो हम लोग जब ये गीला आटा एक बार बना लेते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा करके सूखा आटा डालेंगे, तब आपका परफेक्ट डो बनके तैयार होगा। अगर आप चाहेंगे कि एकदम परफेक्ट डो एक साथ बने तो ये इसमें पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना होगा कि पहले आटा जो है गीला है। उसके बाद देखिए, जैसे जैसे हम ब्लेंड करते जा रहे हैं तो ब्लेंडर के ऊपर आटा जो है बिल्कुल चिपक नहीं रहा है। अगर वो चिपक नहीं रहा है तो इसका मतलब आटा बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है। पर मैंने अभी हाथ लगा के देखा तो मुझे लगा कि थोड़ा और गीला है, जो इफ़ेक्टिवली हम लोग बनाते हैं चपाती उसके लिए परफेक्ट नहीं है। तो मैंने और थोड़ा आटा डाला और उसके बाद देखिए, कोई भी आटा जो है कहीं पर भी बर्तन में चिपका नहीं है और बहुत अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड हो गया, जिस तरह से हम लोग हाथ से करते हैं। तो ये देखिए, जब मैं हाथ से कर रही हूँ तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि आटा कितना अच्छा बना है। और इससे बनाने का ये बहुत इफ़ेक्टिव इसलिए है क्योंकि जो भी आटा हम इसमें लगाते हैं बहुत ही सॉफ्ट निकलता है। जैसे हम आटा हमारे हाथ से लगाते हैं तो हमें कम से कम 1-1.5 घंटा उसको बाहर ढक के रखना पड़ता है। तो अगर हम ब्लेंडर में बनाते हैं तो ये आटा आप डायरेक्टली चपाती बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आटा बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो ये है मेरा वीडियो, किस तरह से आप आटा बनाएं, वो भी एक हैंड ब्लेंडर के तरीके से। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।